दुनिया में छोटी से बड़ी कई कंपनी स्पोर्ट्स कार्स बनाती हैं जो कई लोगों की रीच तक होती है। कुछ कंपनीज सुपर कार्स बनाती हैं जो सिर्फ मिलियनेयर्स ही अफोर्ड कर पाते हैं, और कुछ बहुत ही चंद कंपनीज ऐसी होती हैं जो हाइपर कार्स बनाती है, जिन्हें आईटी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स नहीं बल्कि तेल के कुओं वाले रईस ही अफोर्ड कर पाते हैं। दुनिया में तेज कार बनाने वाली कंपनीज तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आज तक भी इस तरीके की कंपनीज के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, चाहे फिर वो पोर्शे हो या फिर मैक्लारेन। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, और वो है क्रिश्चियन वॉन कोनिगसेग की कंपनी कोनिगसेग। ये वो कंपनी है जिसने प्रोडक्शन कार के सारे स्पीड रिकॉर्ड तोड़े हैं और VW जैसे जायंट द्वारा बैक्ड बुगाटी तक की नाक में दम करके रखा हुआ है। ये वो कंपनी है जिसकी मात्र 500 लोगों की टीम सिर्फ 4 से 5 सालों में इतनी टेक्निकल इनोवेशंस कर देती है जितनी लैम्बोर्गिनी ने शायद से अपने पूरे के पूरे रन टाइम में भी ना करी हो। और ये वो कंपनी है जिसकी एक गाड़ी के प्राइस पर किलो के भाव फरारी चढ़ती है। इस वीडियो के अंदर हम कोनिगसेग की हिस्ट्री से लेकर उनकी हाइपर कार्स के स्पीड रिकॉर्ड एफर्ट्स और उनकी इनोवेशंस तक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। पर उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही और भी ज्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में क्रिश्चियन एरलैंड हेराल्ड वॉन कोनिगसेग का जन्म हुआ था, और सिर्फ जन्म के 5 साल के बाद ही उनके अंदर का पेट्रोहाइट जाग गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि क्रिश्चियन वॉन कोनिगसेग सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने फादर के साथ नॉर्वेन एनिमेटेड मूवी फ्लैकलेपा ग्रैंड प्रिक्स देखने के लिए गए थे, जिसमें दिखाया था कि एक लड़का कबाड़ से एक स्पोर्ट्स कार बनाता है और F1 जीत जाता है। अब हालांकि ये एक इमेजिनरी स्टोरी थी, लेकिन ये बात कोनिगसेग के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने बचपन में ही एक स्पोर्ट्स कार कंपनी बनाने का मन के अंदर ठान लिया। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने सोचा ही नहीं बल्कि ऐसी गाड़ियां बचपन में बनानी भी शुरू कर दी। जैसे उन्होंने बड़ी ही छोटी उम्र के अंदर एक गो कार्ट बनाई अपने फादर के साथ मिलकर, और फिर अपने इन गाड़ियों से लगाव को जीने के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मोपेट्स को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कार बिजनेस होता है ना, ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, और इसीलिए अगर मिस्टर कोनिगसेग को भी एक कार कंपनी खोलनी थी ना, तो उनको बहुत ही सारे पैसों की जरूरत थी। और यही पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने चालू करा फ्रोजन चिकन का बिजनेस, जिसमें वो बस फ्रोजन चिकन खरीदते थे और आगे बायर्स को प्रॉफिट में बेचते थे। इस बिजनेस में उनको कामयाबी बहुत ही जल्दी मिल गई और वो देखते ही देखते स्वीडन में एक बहुत ही बड़े फ्रोजन चिकन के व्यापारी बन गए, और इन जमे हुए मुर्गों को बेच बेच कर उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो अब अपने बचपन का सपना पूरा कर सकते थे, यानी कि एक कार कंपनी खोलने का सपना, जो कि उन्होंने किया भी 1994 में कोनिगसेग नाम की एक कार कंपनी खोलकर। अब ये जो मिस्टर कोनिगसेग थे ना, ये खुद तो एक इंजीनियर थे नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि एक इंजीनियर्स की टीम को हायर करा और सिर्फ 2 साल के अंदर ही, यानी कि 1996 में ही अपना पहला प्रोटोटाइप बनाकर खड़ा कर दिया, यानी कि कोनिगसेग CC, जो कि सिर्फ दिखने में ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने बाकी सारी सुपरकार्स की हवा टाइट कर दी सिर्फ दिखने के मामले में ही। प्रोटोटाइप के ठीक 2 साल बाद उनका पहला प्रोडक्शन मॉडल भी मार्केट में आ गया CC8S के नाम से, जिसे 2002 से 2003 के बीच में बनाया गया, और इस गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट्स बनाई गई। और उनकी पहली ही गाड़ी से ये बात साबित हो गई थी कि कोनिगसेग के इंटेंशंस दुनिया की सबसे तेज कार बनाने के हैं, क्योंकि उनकी CC8S अपने 655 हॉर्स पावर के इंजन से 390 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। अब आप ये समझिए कि ये जो स्पीड उन्होंने 2003 में क्लेम करी थी ना, ये इतनी ज्यादा थी कि आज तक भी कई स्पोर्ट्स कार कंपनी अपनी प्रोडक्शन स्पोर्ट्स कार को इतना तेज नहीं बना पाई हैं, फिर वो चाहे लैम्बोर्गिनी हो, पोर्शे हो या फिर फरारी। हाँ, फरारी ने 2 कार ऐसी बनाई हैं जो इस कोनिगसेग से ज्यादा तेज थी, लेकिन वो दोनों ही रोड लीगल नहीं है और रेसिंग चैंपियनशिप्स के लिए ही बनाई गई है। अब जो इससे भी कमाल की बात थी ना, वो ये थी कि कोनिगसेग ने CC8S के अंदर फोर्ड के इंजन को सुपरचार्ज करके लगाया था, और फोर्ड तो वो कंपनी है जो खुद एक प्रॉपर फरारी टाइप की गाड़ी भी नहीं बनाती है। CC8S के बाद आई कोनिगसेग की CCR, और इस बार कोनिगसेग ने फोर्ड का इंजन डायरेक्टली इस्तेमाल ना करते हुए इसी इंजन पर बेस्ड खुद का ब्लॉक बनाया, और उन्होंने ऐसा इसलिए करा ताकि वो 395 किलोमीटर पर आवर की क्लेम स्पीड को अचीव कर सके। और देखा जाए तो ये पिछली गाड़ी से सिर्फ थोड़ी सी ही ज्यादा है, तो इन्होंने इतनी मेहनत आखिर करी क्यों? वेल, ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो 90s में आई मैक्लारेन F1 का हाई स्पीड रिकॉर्ड तोड़ सके, जो कि उन्होंने फरवरी 2005 में करा अपनी CCR के साथ, जिसकी वजह से इस गाड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया फॉर द फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार। लेकिन ये रिकॉर्ड नवंबर 2005 में बुगाटी वेरॉन द्वारा दोबारा तोड़ दिया गया, और वो गाड़ी इस रिकॉर्ड को बहुत टाइम तक कायम करती है इसके बाद। और अब क्योंकि इनकी राइवल बुगाटी बन चुकी थी, तो इनको और भी ज्यादा फास्ट कार की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने बनाई CCX। कोनिगसेग ने CCX का प्रोडक्शन 2006 से लेकर 2010 तक चलाया, और इसके अंदर उन्होंने 29 कार बनाई विद डिफरेंट सीरीज, और पहली बार इस सीरीज ऑफ कार्स की मदद से वो 400 किलोमीटर पर आर के स्पीड माइलस्टोन को ब्रेक कर पाए, जिसमें CCX की पहली 4 कार तो 401 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड तक जा सकती थी, पर उनकी त्रिविता ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया विद 410 किलोमीटर पर आर ऑफ क्लेम टॉप स्पीड।
लेकिन फोर्ड इंस्पायर्ड इंजन ब्लॉक के साथ ये कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, एंड इसीलिए पहली बार उन्होंने खुद का 4.7 लीटर का ट्विन सुपरचार्ज V8 इंजन बनाया, जो कि 795 से लेकर 1004 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर सकता था अपने लेटर मॉडल्स में। और देखा जाए ना तो ये खुद का एक परफॉर्मेंस इंजन बनाना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, खासकर एक इतनी छोटी कंपनी के लिए। और ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है ये समझ में आता है कुछ सिमिलर साइज कंपनीज के साथ इसके कंपैरिजन से। जैसे कि इटली की पगानी ने आज तक भी अपना खुद का इंजन नहीं बनाया, और इसीलिए वो यूज करते हैं मर्सिडीज के AMG इंजन्स अपनी गाड़ियों के अंदर। एक अपोलो नाम की सुपर नीच हाइपरकार कंपनी है, वो ऑडी के इंजन्स यूज करती है। मेजराती की कई कार्स के अंदर फरारी के इंजन्स यूज होते हुए दिखाई दे जाते हैं, और इसी तरीके से एस्टन मार्टिन की कई गाड़ियों के अंदर भी मर्सिडीज के इंजन देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से जो लंबोर्गिनी की उरुस है ना, उसके अंदर भी जो इंजन लगा है वो भी ऑडी द्वारा बनाया गया है। एंड इट ओनली शोज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डेवलप ए परफॉर्मेंस इंजन। लेकिन फिर भी कोनिग्सेग ने खुद का एक इंजन बनाया, और बॉस ये तो बस एक शुरुआत भर थी, क्योंकि 2010 में आई अगेरा, और इस बार कोनिग्सेग ने इसके अंदर एक 5 लीटर का V8 इंजन बनाकर लगाया। और ये इंजन इतना ज्यादा वर्सेटाइल था कि कोनिग्सेग ने इसे 2010 से लेकर 2018 तक प्रोड्यूस करा, और इसे अगेरा के अलग अलग स्पेशल एडिशन के अंदर इस्तेमाल किया गया। एंड थ्रू आउट दिस पीरियड इस इंजन की पावर और इन हाइपर कार्स की टॉप स्पीड लगातार बढ़ती ही चली गई। जैसे अगेरा में यह इंजन 947 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था विद द टॉप स्पीड ऑफ 420 किलोमीटर पर आवर, और ये पावर एंड स्पीड बढ़ते बढ़ते अगेरा RS पर जाके रुकी विद 1341 हॉर्स पावर एंड 457.94 किलोमीटर पर आवर ऑफ टॉप स्पीड। और ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इस गाड़ी ने एक्चुअल टेस्ट के अंदर बुगाटी के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लेकिन कोनिग्सेग की स्पीड की सनक का ये अंत नहीं था, क्योंकि अगेरा के बाद आई रेगेरा जो कि उसकी सक्सेसर थी, और उसके बाद आई येस्को एंड गामेरा। और अपनी येस्को के साथ कोनिग्सेग ने टॉप स्पीड की सारी हदें फिर से पार कर दी, क्योंकि उनकी ये नई कार 310 माइल्स पर आर की क्लेम्ड स्पीड तक जा सकती थी, यानी कि 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक। इमेजिन करिए 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड में कैसा नजारा होता होगा। अब कोनिग्सेग ने ओवर इंजीनियर्ड एक्सट्रीमली पावरफुल हाई स्पीड कार्स तो बनाई थी, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये छोटी सी कंपनी हर 5 साल में इतने इनोवेशंस कर डालती है जितने लंबोर्गिनी ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स कार कंपनी ने भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करे होंगे। जैसे कि कोनिग्सेग ने अपनी 1800 हॉर्स पावर वाली हाइब्रिड हाइपर कार रेगेरा में एक सिंगल स्पीड डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम बनाया है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर एक कन्वेंशनल गियर बॉक्स नहीं आता जिसमें मल्टीपल गियर्स होते हैं, बल्कि ये गाड़ी सिर्फ एक ही सिंगल गियर रेशियो पर चलती है, और सिर्फ इसी के साथ ये 0 से 400 की रफ्तार पकड़ सकती है। और ऐसा करने के लिए कोनिग्सेग ने एक खुद का हाईली रिजिड ओवर इंजीनियर टॉर्क कन्वर्टर सिस्टम बनाया है, जिसे वो बोलते हैं हाइड्राकूप। इसके अलावा इस गाड़ी का जो बैटरी पैक है ना, वो भी अपने आप में एक वर्क ऑफ आर्ट है, क्योंकि ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब अपनी पावर को डंप कर सकता है, ताकि इस गाड़ी की हाई पावर जो मोटर्स हैं वो तेजी से काम कर सके। और साथ ही साथ इसका जो रीजनरेशन है वो भी 10 गुना ज्यादा तेज है किसी एक नॉर्मल कार के मुकाबले। इसके अलावा जो इस गाड़ी के बैटरी पैक का वेट है वो 64 किलोग्राम ही है, जो कि माना जाता है कि काफ़ी हल्का है, क्योंकि इससे भी जो कम पावरफुल कार है यानी कि मैकलैरन P1, उसके भी जो बैटरी पैक का वेट है ना वो 106 किलोग्राम है। इसी तरीके से कोनिग्सेग ने गामेरा नाम की 4 सीटर हाइब्रिड हाइपर कार बनाई है, और उसके अंदर स्पेस सेविंग करने के लिए उन्होंने इतने सारे इनोवेशन कर डाले जितने उन्होंने शायद से ही अपनी किसी कार के अंदर करे होंगे। जैसे कि कोनिग्सेग की गामेरा के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है वो सिर्फ 28 किलोग्राम की है, और एक कोल्ड ड्रिंक की कैन से बस थोड़ी सी ही बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये सिंगल मोटर 355 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे ही गामेरा के लिए कोनिग्सेग ने 2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन बनाया है, और ये इंजन 600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है, और ऐसा इंजन पहली बार बनाया गया है पूरी दुनिया के अंदर। और इसीलिए कोनिग्सेग इसे बोलते हैं टाइनी फ्रेंडली जायंट, क्योंकि ये इतना छोटा होने के बाद भी इतनी ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इंजन और पावर ट्रेन के अलावा भी कोनिग्सेग ने कई तरीके के इनोवेशंस करे हैं, जैसे कि उन्होंने एक फ्लेक्स फ्यूल सेंसर डेवलप करा है जो इन मैमथ ऑफ हाइपर कार्स को किसी भी रेशियो के फ्लेक्स फ्यूल पर चलने में मदद करता है। सोचिए, आजकल की जरा जरा सी स्पोर्ट्स कार हाई ऑक्टेन फ्यूल मांगती हैं, लेकिन ये हाइपर कार्स फ्लेक्स फ्यूल पर भी चलने के लिए तैयार है, ताकि एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी साबित हो सके। इसी तरीके से कोनिग्सेग ने इनोवेट करी है ऑटो स्किन हिंजेस, जिनकी मदद से रेगेरा के सभी मूविंग पैनल्स हाइड्रोलिकली ऑपरेट हो पाते हैं, और ये जो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, ये सिर्फ 5 किलो का होता है। अभी जितने भी इनोवेशन इस कंपनी ने करे हैं ना, इनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी VW जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट ने करे होंगे, ऐसी कंपनीज जिनके पास अंधाधुन रिसोर्सेज होते हैं। और यही बात जो कोनिग्सेग के बारे में है ना, ये मुझे हमेशा चौंकाती है, क्योंकि इस कंपनी का साइज सिर्फ 500 लोगों का है, यानी कि ये मुट्ठी भर लोग इतने सारे इनोवेशंस करते हैं जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज के भी होश उड़ा देती हैं। और यही बात साबित करती है कि द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज ऑलवेज सुपीरियर टू द क्वांटिटी ऑफ मैन पावर।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है ना, मतलब हाइपर कार वगैरह के बारे में, तो जिस कंपनी के बारे में आपको वीडियो देखनी है उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू।